नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान ट्रैवलर बस में तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर रहे श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल एक युवती से बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने ही बारी बारी से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना तीर्थंकर ओंकेश्वर की बताई जा रही है। 21 वर्षीय युवती रतलाम से अपने माता पिता के साथ यहां आई थी और घटना 20 मार्च 2023 की रात 11 बजे की है। मामले में 8 जून को पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामले में ही पुलिस ने 50 वर्षीय आरोपी को राउंडअप भी कर लिया है। ढाई महीने पूर्व रतलाम में एक जत्था धाराजी की यात्रा पर निकला था और 2 दिन बाद ओंकेश्वर पहुंच गया था। युवती बुजुर्ग माता पिता के साथ जत्थे में शामिल थी और 20 मार्च को जय माता दी ट्रैवलर कंपनी की बस ओंकेश्वर के बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। उस समय बस में सवार श्रद्धालु एक होटल पर भोजन करने के लिए टहल रहे थे और इसी बीच गर्मी के कारण बस श्रद्धालुओं ने बस स्टैंड पर रात्रि विश्राम का इरादा बना लिया था और युवती ने अपने बुजुर्ग माता पिता के कहने पर बस से बैग लाने के लिए चढ़ी थी और बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। उसी दौरान उन्होंने बारी बारी से बड़ी घटना को अंजाम दिया है और बताया जा रहा कि खत्म करने के लिए धमकाया और उसके बाद वह काफी दिनों तक चुप रही है, लेकिन जैसे ही 8 जून के आसपास उसके पेट दर्द हुआ तो पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताई है। इसके बाद परिजन और रिश्तेदार उसे ओंकेश्वर लेकर पहुंचे हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मामले का खुलासा हुआ है और इसके बाद अब मेडिकल मुआयना किया जाएगा और सोनोग्राफी के दौरान पूरी यहां पर स्थिति सामने आ जाएगी। बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में एक आरोपी को हिरासत में लिया है जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर